धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, और जो भी हम इस सर्दी स्कूल में सीखेंगे वह हम अपने जीवन में लागू करने पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सब तैयार हैं मेरे साथ प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए? तो आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। तैयार है कहानी सुनने के लिए? तो आइए हम मिलके बाइबल में से कुछ बातों को भी सीखेंगे। हेलो बच्चों, तो आज एक और विषय को हम सीखने जा रहे हैं, और वो है प्रभु यीशु में बने रहना, प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहना। तो आइए इस विषय को हम बाइबल में से देखेंगे, बाइबल की आयतों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 7 आयतों के अंदर हम इस विषय को पाते हैं और हम उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 7 आयतों को हम पढ़ेंगे बाइबल में से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो बच्चों, इन आयतों में हमने पढ़ा कि अगर एक दाखलता के अंदर डाली बनी नहीं रहेगी
तो उसमें फल नहीं आएगा। वैसे ही हमें भी प्रभु में बने रहना है। अगर यदि हम भी प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में भी अच्छी बातें नहीं होगी, अच्छी आशीषें नहीं आ पाएगी। इसीलिए हमें भी प्रभु के साथ जुड़े रहना है ताकि हम और फल ला पाएं, हम आशीषित हो पाएं। जैसे हमने वचन से सीखा कि दाखलता के अंदर डाली को बना रहना जरूरी है बहुत फल लाने के लिए, और इसीलिए हमें भी अगर हमारे जीवन के द्वारा बहुत फल लाना है तो हमें भी प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहना, बने रहना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, यीशु के साथ हमें जुड़े रहना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, प्रभु में बने रहने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, प्रभु से बातें करना है, प्रभु पर भरोसा करना है। तो बच्चों, अभी हम सीखेंगे हमें कैसे प्रभु में बने रहना है। हर दिन प्रार्थना करने के द्वारा हमें हर दिन प्रार्थना करना है, हर दिन हमें प्रभु से बातें करना है, क्योंकि प्रभु भी चाहता है वह हमसे बातें करे। हर दिन वचन पढ़ने के द्वारा हमेशा हमें वचन पढ़ना है। सुबह शाम जब भी हमें वक्त मिलता है हमें वचन पढ़ना है, मनन करना है, आयतों को याद करना है, हर दिन प्रभु की आज्ञाओं को मानने के द्वारा। प्रभु ने जो आज्ञा हमें दिया है हमें हर दिन उसे मानना है, हर दिन प्रभु से सुनने के द्वारा। प्रभु बातें करता है, हमें प्रभु से हर दिन सुनना है, हर दिन प्रभु की स्तुति आराधना करने के द्वारा। हर दिन हमें प्रभु की स्तुति आराधना करते रहना। जो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक लाइट है लेकिन वो अभी बंद है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, मैं अभी इसको इसका प्लग स्विच बोर्ड के अंदर डालकर मैं इसे ऑन करती हूँ। वाव, आपने देखा कि ये काम देने लगा। तो आपने देखा कि जब तक इसका प्लग अंदर नहीं था ये कोई काम नहीं दे पा रहा था, कनेक्टेड नहीं था तो कोई ये चल नहीं पा रहा था। वैसे ही अगर हम भी प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो हम भी ऐसे रोशनी नहीं दे पाएंगे, बिना काम के होंगे। लेकिन जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे तो हम भी इस प्रकार से रोशनी देने लगेंगे और दूसरों के काम आएंगे। जिस प्रकार से ये लाइट चारों तरफ उजियाला दे रही है वैसे ही हम भी दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस आयत को याद करें, यूहन्ना 15:5। इसमें यह लिखा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आप सब मेरे साथ एक और बार बोलेंगे? यूहन्ना 15:5, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि प्रभु के साथ हमें जुड़े रहना है, प्रभु में हमें बने रहना है ताकि हम बहुत फल लाए और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। तो आइए इस विषय को हमेशा हम याद रखें और प्रभु के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करें। तो हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर विषय को आपने सीखने के लिए हमारी सहायता की,
इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपके अंदर बने रहने पाए, प्रभु आपकी बातों को हम प्रभु जी मानने वाले होने पाए। आपने जो कुछ हमें कहा है प्रभु जी वो हम करें और आशीषित हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे सभी बच्चों को आप आशीषित कीजिए, आपसे और प्रेम करने के लिए, आपसे और ज्यादा करीब रहने के लिए हमारे सभी बच्चों को और हमें आप मदद कीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा मान और सारा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु के पवित्र नाम से स्वर्गीय पिता परमेश्वर।